कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा स्थगित हो गई थी और लगभग सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, तो उससे संबंधित कुछ अपडेट आई हुई है, तो इस वीडियो में आपको ये अपडेट बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल था दिन रविवार और कल मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कि आज के दिन मीटिंग होने वाली है। तो रविवार को मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ सुझाव जो आए हुए हैं वो देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आयोजित हो परीक्षाएं। इसके पीछे उनका क्या कारण है वो भी यहाँ पे लिखा गया है कि स्नातक स्नातकोत्तर की प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों के टीकाकरण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को दी जाए। यह सुझाव राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने महाविद्यालय और महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए दिए हैं। महासंघ और उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों से परीक्षा के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे। महासंघ की ओर से हुई वर्चुअल बैठक में, जो कि कल हुई थी, कहा गया है कि परीक्षाएं जरूर कराई जाएं। स्नातक स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रत्येक विषय के दोनों प्रश्न पत्रों को एक ही प्रश्न पत्र में आ व ब में भाग करके प्रत्येक भाग को अनिवार्य कर दिया जाए। मतलब कि जैसे पेपर अलग अलग होते थे, अब हो सकता है कि कंबाइंड पेपर किए जाएँ, ठीक है, सेक्शन ए बी करके इस तरीके से। अब ये सुझाव केवल है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे कहा है कि स्नातक तृतीय वर्ष में, कहा है कि स्नातक तृतीय वर्ष में भी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएँ प्रणाली में प्रायोगिक मौखिक परीक्षा वर्ष भर में छात्रों द्वारा किए गए सत्रीय एवं अन्य प्रायोगिक कार्यों के आधार आंतरिक मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाएं। परीक्षा के समय में कोविड की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही परिसर के छात्रों को प्रवेश दिया जाए। और इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे, यहाँ पर अपडेट है। तो कल बैठक हुई थी, कल संडे था, और उसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जरूर कर जाए। फिलहाल जो गवर्नमेंट है उसने आदेश दिया है कि एक जून के पहले पहले सभी यूनिवर्सिटी जो है अपनी वो जारी करें, अपने गाइडलाइंस जारी करें कि आपको परीक्षाएं कराएंगे या नहीं कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे। तो जल्द ही आपको ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल सकती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।